HTML बेसिक आज हम HTML बेसिक का स्टडी करेंगे। जैसे कि हमारे लास्ट चैप्टर में हमने देखा था कि HTML क्या होता है, अब हम HTML के कुछ बेसिक टैग है उसके बारे में स्टडी करेंगे। इस चैप्टर में हम H1 टैग, H टैग मतलब हेडिंग टैग, उसके बाद पैराग्राफ, उसके बाद इमेज और लिंक, ये टैग स्टडी करेंगे। हम वन बाय वन देखते हैं। पहले मैं टाइटल में मेरा एग्जैक्ट टाइटल है पेज का वो डाल देता हूँ। जैसे कि हमारा HTML बेसिक चैप्टर हम देख रहे हैं तो मैं HTML बेसिक डाल दिया। अभी हम एक एक टैग का स्टडी करेंगे। फर्स्ट टैग है हेडिंग। हेडिंग टैग HTML में H1 करके लिखा जाता है, H1, H2, वो उसका रेंज H1 से लेके H6 तक है। H1 जो है वो सबसे बड़ा टैग होता है, जैसे जैसे सीक्वेंस बड़ा होता जाता है वैसे वैसे फॉन्ट छोटा होता जाता है। जैसे कि H1, H2, H3, H4, H5, H6, H1 सबसे बड़ा टैग होता है और H6 सबसे छोटा टैग होता है। तो हम प्रैक्टिकली वो देख लेंगे। अब मैं H1 टैग डाल देता हूँ और पैराग्राफ डाल देता हूँ, तो हम एक बार उसको देख लेंगे कि दोनों में क्या डिफरेंस है, वो कैसे एग्जीक्यूट होता है, उसका सिंटैक्स कैसा है। जैसे कि देखो, मैंने लास्ट चैप्टर में आपको बता दिया था कि वो स्टार्ट और एंड होता है टैग। जैसे कि हमने अभी किया और यह देखिए उसका आउटपुट है, टाइटल आ गया है HTML बेसिक। उसके बाद ये माई फर्स्ट हेडिंग H1 में है और माई फर्स्ट पैराग्राफ पैराग्राफ टैग में। तो हम अभी ये H1 टैग के बारे में पूरी, उसके बाद H2, H3, H4, H5, H6। मैं वन बाय वन एक एक टैग डालता जाता हूँ। मेरा हो गया है ख़त्म। मैं इसको सेव करके आप एग्जीक्यूट करता हूँ। एग्जीक्यूट मतलब अपना आपको तो पता है, F5 करने के बाद एग्जीक्यूट हो जाता है। ये देखिए H1 सबसे बड़ा है, H2 है, H3 है, H4 है, H5 है, H6 और H6 सबसे छोटा है, लेकिन मैंने आपको बता दिया था ऑलरेडी H1 सबसे बड़ा होता है। अभी हम इसको वन बाय वन नाम भी दे देंगे ताकि आपको ये पता चले कि हाँ H1 ही ऊपर आया हुआ, H1 है नीचे गया हुआ, H6 है ऐसे। सेव कर लिया मैंने अभी उसको, F5 कर लिया। देखिए अभी H1, H2, H3, H4, H5, H6 ही आया है, तो मतलब सही है, अपने H1 सबसे बड़ा है और H6 सबसे छोटा है। ये हो गया हमारा हेडिंग टैग। उसके बाद हम नेक्स्ट टैग देखते हैं, पैराग्राफ। हम बचपन से देखो, हम जब से स्टडी कर रहे हैं बचपन से, स्कूल के ज़माने से, तब से हमें पता है कि बुक में पैराग्राफ होते हैं। पैराग्राफ मतलब क्या, आपको तो पूरा तरह आइडिया है, लेकिन अभी HTML पेजेस में पैराग्राफ लिखना है तो कैसे लिखना है, तो उसके लिए पी टैग यूज होता है। मैंने अभी यह कंटेंट लिख दिया है माय फर्स्ट पैराग्राफ और उसको स्टार्ट और एंड कर दिया है टैग और मैं उसको एग्जीक्यूट कर लेता हूँ। मैं और एक पैराग्राफ डाल देता हूँ ताकि आपको और अच्छे से जानकारी मिल सके। पैराग्राफ टैग हम बाद में थोड़ा इन डिटेल देख लेंगे, हम बेसिक में देख रहे हैं पैराग्राफ टैग के बारे में।
नेक्स्ट चैप्टर में जाके हम पैराग्राफ इन डिटेल देख लेंगे। हमारा थर्ड नंबर का ही चैप्टर चल रहा है, तो इसमें बेसिक ही है, मैं बेसिक ही बोल रहा हूँ आपको। हम वन बाय वन टैग नेक्स्ट चैप्टर में अलग से देखेंगे। मैंने अभी हेडिंग हटा दी क्योंकि हमारे हेडिंग का स्टडी हो चुका है, आपको समझ में भी आ गया है हेडिंग। तो मैं अभी अपना एक पैराग्राफ था फर्स्ट का, मैं फर्स्ट पैराग्राफ, तो उसको मैं अभी लिंक टैग यूज कर रहा हूँ। अभी ये नया टैग हम स्टडी कर रहे हैं लिंक नाम का, जिसको ये लिख के हम डाल देते हैं। तो लिंक टैग का एग्जैक्ट वर्किंग क्या होता है कि आपको कोई वेबसाइट पे आपने देखा होगा कि एक लिंक दी होती है क्लिक हियर करके, या मतलब कुछ इस टाइप की लिंक, वहाँ पे आप क्लिक करते हो तो वो एक तो दूसरे पेज पे लेके जाता है, दूसरे वेबसाइट पे लेके जाता है, दूसरे कंटेंट पे लेके जाता है, सम कहीं पे भी लेके जाता है। तो ये काम लिंक टैग का आता है, जिसका सिंटैक्स ये है और क्लोज होता है वो, जैसे कि हम हर टैग के बारे में पता है हमें कि वो स्टार्ट और एंड होता है। जैसे देखो अभी मैंने एक वेबसाइट डाला है बिजनेस सॉल्यूशन का, तो यहाँ पे देखो मैंने www डाल के एचडेप में डाला है www। तो देखो यहाँ पे हम क्लिक करते हैं तो वो आगे आ जाता है, देखो हमारे जो पेज का लिंक है उसके आगे। तो हमें क्या करना है, वो क्लिक करने के बाद वो ई बिजनेस सॉल्यूशन वेबसाइट ओपन होनी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, अभी इसको HTTP डाल देंगे, HTTP उसके आगे। देखो यहाँ पे HTTPD और HTTPDS होता है। HTTPDS सिक्योर साइट के लिए होता है और HTTPD नॉर्मल साइट के लिए। अभी मैंने यस डाल दिया है, लेकिन हमारा जो बिजनेस सॉल्यूशन का साइट है वो सिक्योर साइट में नहीं आता, तो इसलिए वो अभी वो बोल देगा कि हाँ योर साइट नॉट सिक्योर। बट मीनिंग ये है कि आपको ये पता चलना चाहिए कि वो नेक्स्ट वेबसाइट पे लेके जा रहा है करके। हम उसको अभी दो तीन टाइप से लिंक दे सकते हैं, जैसे कि प्रोजेक्ट में हमेशा पूरा पाथ नहीं दिया जाता, वहाँ पे एक इमेज फोल्डर क्रिएट किया जाता है और वो इमेज फोल्डर का पाथ दिया जाता है। लेकिन हम पूरी एक तो अभी जैसे डाला वेबसाइट वो डाल सकते हैं, या अलग तरीके से भी डाल सकते हैं। लेकिन HDF हमें हम ईमेल कुछ डाल रहे हैं वही फोल्डर में से हमें वही फाइल पे लेके जाना है, तो हमें वहाँ ये डालना है पूरा पाथ नहीं डालना, जस्ट फोल्डर का पाथ देना है। जैसे इमेज के लिए हम वो इमेज का पाथ देते हैं, अभी हम इमेज टैग देखेंगे। इमेज टैग में एट्रीब्यूट्स यूज करने पड़ते हैं हमें अलग अलग, जैसे कि हमने लिंक टैग में HREF एट्रीब्यूट्स यूज किया, वैसे इमेज टैग में सोर्स एट्रीब्यूट्स है। सोर्स मतलब हम ये है कि वो इमेज का सोर्स क्या है, कहाँ से, जैसे कि मैंने बताया HREF में कि हम एक इमेज फोल्डर क्रिएट करते हैं वहाँ से भी पाथ दे सकते हैं इमेज हमें देना है। तो यहाँ भी इमेज टैग में हम जैसे कि मैंने बोला कि पूरा पाथ दे सकते हैं, या हम वो इमेज नाम का फोल्डर क्रिएट करके वहाँ से भी उसका शॉर्ट पाथ भी दे सकते हैं। तो हम वो दोनों स्टडी करेंगे, या कोई वेबसाइट पे इमेज है तो वहाँ से इमेज का URL पेस्ट करके भी दे सकते हैं। तो हम देखेंगे सोर्स हो गया हमारा, अभी ALT है मतलब अल्टरनेट। तो ये क्या होता है कि बाय चांस तो आपका इमेज वेबसाइट से कोई वेबसाइट का पाथ दिया हुआ है आपने, या कोई इमेज फोल्डर का पाथ दिया और उसमें से वो इमेज डिलीट हो गई, तो वो इमेज उसको नहीं मिल रही है, तो वहाँ उस केस में वो अल्टरनेट जो आपने वर्ड दिए हुए हैं वो या वहाँ पर दिख जाते हैं। तो मैंने ये अभी देखो ये फाइल कॉपी किया, मैं इसको ओपन विथ कर लेता हूँ ब्राउज़र में। तो ये पाथ है, ये पूरा पाथ है, आप ये ऐसे पूरा पाथ उठा के भी दे सकते हैं, या आप वो इमेज जैसे मैंने बोला इमेज फोल्डर क्रिएट करना है और वो इमेज फोल्डर का पाथ देना है वहाँ से भी आप दे सकते हो।
मैं डेस्कटॉप पे उसको एक जाके पेस्ट करके रख लेता हूँ इमेज, ताकि हमें डेस्कटॉप का कभी पाथ देने की ज़रूरत आए तो वहाँ से हम यूज करेंगे। लेकिन अभी डेस्कटॉप पे वो पेस्ट करने की ज़रूरत नहीं, कि हमारा फाइल तो वहाँ पे ही है। लेकिन मैं यहाँ रिनेम करके रख लेता हूँ। अभी देखो, यहाँ मैंने छोटा नाम किया उसको, ताकि वो डालने में दिक्कत ना आए। वैसे फुल नेम भी दे सकते हो, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, नाम कितना भी बड़ा हो। लेकिन ध्यान में रखें कि नाम में पेस नहीं आना चाहिए, इमेज नाम में पेस नहीं आना चाहिए। तो मेरा अपना पाथ तो यही फोल्डर का पे ट्यूटोरियल में है, तो मैं उसको यहाँ से ही रिनेम कर लेता हूँ एक्सटेमल करके। इसको मैंने इमेज को रिनेम कर लिया। अभी हमें क्या करना है, ये पाथ सोर्स में देना है। तो यहाँ देखो, अब मेरे देखो ये इंडेक्स पेज और वो सेम पाथ पे है, तो मतलब मैं जस्ट एचटीएमएल फोल्डर का पाथ नहीं दिया तो भी मेरा वर्किंग प्रॉपर हो जाएगा, क्योंकि देखो ये एक ही पाथ पे है। तो मैं इसका भी एग्जीक्यूट कर लेता हूँ। यहाँ पे देखो अपना इमेज आ गया। अब हमने उसका विड्थ और हाइट 100 बाय 100 दिया था, तो मतलब ये 100 बाय 100 साइज में वो रन हो रहा है। अभी मैं उसको चेंज करके 300 बाय 300 कर लेता हूँ, तो ये इमेज 300 बाय 300 बड़ा होना चाहिए। हो गया बराबर सही। तो ये साइज हुआ 300 बाय 300। देखो इसमें हमने कौन से एट्रीब्यूट यूज किया, पहला सोर्स, अल्टरनेट टेस्ट ALT का, उसके बाद विड्थ और हाइट, ये यूज किए। अभी हम उसको लिंक दे सकते हैं इमेज को, जैसे कि मैंने लास्ट टाइम बोला था कि आप इमेज को भी लिंक कर सकते हो। तो देखो ये मैंने लिंक टैग अपना ये टैग है वो डाल दिया और उसको एंड कर दिया MS टैग में। हाँ देखो मैंने बोला था कि हर टैग एंड होते समय एंड होता है, तो इमेज टैग देखो इसको एंड नहीं है, वो वैसे ही है। तो ऐसे भी टाइप के टैग है अपने यहाँ जो एंड नहीं होते। देखो वो यहाँ से इमेज पे क्लिक करने के बाद इस वेबसाइट पे लेके आ रहा है करके। और ये देखो हाँ ओके, तो इस तरह से है इमेज टैग।